एक ओर पंजाब में आम आदमी पार्टी विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं गुजरात को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ऑफर किया गया और इस ऑफर में कहा गया कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात छोड़ दे तो फिर उनके मंत्री सतेंद्र जैन को रिहा कर दिया जाएगा। अगर हम गुजरात चुनाव छोड़ दें और मैं गुजरात में आना बंद कर दूं तो ये सतेंद्र जैन को छोड़ देंगे, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट नहीं करेंगे और सारे केसेस रफा दफा कर देंगे। गुजरात चुनाव में धुआंधार प्रचार, वार पलटवार और सियासी सरगर्मी के बीच केजरीवाल का ये दावा चौंकाने वाला है, गुजरात के चुनावी ताप को और बढ़ाने वाला है। इन लोगों ने मेरे पास ये ऑफर भेजा है कि अगर हम गुजरात चुनाव छोड़ दें और मैं गुजरात में आना बंद कर दूं तो ये सतेंद्र जैन को छोड़ देंगे, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि दिल्ली सरकार के जिस मंत्री सतेंद्र जैन के भ्रष्टाचार के आरोपों को बीजेपी लगातार मुद्दा बना रही है, सतेंद्र जैन पर आरोपों को आप पर हमले का हथियार बना रही है। अब उसी सतेंद्र जैन को लेकर केजरीवाल ने बहुत बड़ा दावा किया और इस दावे के जरिए बीजेपी पर करारा हमला बोल दिया। लोगों ने मेरे पास ये ऑफर भेजा है कि अगर हम गुजरात चुनाव छोड़ दें और मैं गुजरात में आना बंद कर दूं तो ये सतेंद्र जैन को छोड़ देंगे, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट नहीं करेंगे और सारे केसेस रफा दफा कर देंगे। लेकिन गुजरात के लोगों ने मुझे अपना भाई माना है और कई गुजरात के लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। मैं गुजरात के लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता किसी हालत में। सो मैंने इनको सरासर मना कर दिया है और ये जो करना चाहें, जिसे गिरफ्तार करना चाहें, ये लोग कर सकते हैं। केजरीवाल का ये दावा सामने आया तो बीजेपी ने फौरन जवाब दिया, सतेंद्र जैन के एक एक घोटालों को गिना दिया। विक्टिमहुड कार्ड इसलिए नहीं खेला जा सकता, इन्होंने सबसे पहले विक्टिमहुड कार्ड खेला कि सतेंद्र जैन जी कट्टर ईमानदार है, 4.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, कट्टर ईमानदार जिसको कहते हैं उसे कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है, 3 बार कोर्ट ने उसके खिलाफ एक फैसला सुनाने का काम किया है, मतलब कि एक ऑब्जर्वेशन सुनाने का काम किया है। जाहिर है कि गुजरात चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, सियासी हमला और भी तीखा होता जा रहा है। केजरीवाल चुनाव में बदलाव के नारे के साथ हर दाव आजमा रहे हैं और अब इशारों में जीत का OTT फॉर्मूला भी बता रहे हैं। कल मेरे पास एक SMS आया था, उन्होंने कहा केजरीवाल जी आप OTP का फॉर्मूला अपना रहे हैं। मैंने कहा ये OTP क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि OBC ट्राइबल एंड पाटीदार। अच्छा, हाँ। मतलब OBC का आपने CM चेहरा बना दिया, ट्राइबल के अंदर बहुत जबरदस्त समर्थन है आम आदमी पार्टी का और पाटीदार आपका अध्यक्ष है, तो अब ये तीनों आपके साथ हैं। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, हम जो बिजली फ्री कर रहे हैं वो सबकी बिजली फ्री करेंगे। इससे पहले केजरीवाल हिंदुत्व वाला कार्ड भी आजमा चुके हैं, नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर का मुद्दा उठा चुके हैं। स्पिरिचुअल फोर्स तो है इस दुनिया के अंदर, उसे आप किसी भी नाम से बुला लीजिए, शिव कह लीजिए, राम कह लीजिए, लक्ष्मी कह लीजिए, गणेश कह लीजिए। तो अगर मैंने ये नहीं कहा कि नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर छापने से कोई देश की सारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, तो अगर नोट के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने से ऊपर वाले का आशीर्वाद भी मिलता है, हर्ज क्या है? बीजेपी इतना अपोज क्यों कर रही है इसको? बीजेपी के लिए बिल्कुल नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल नहीं लगने देंगे, क्यों, क्या तकलीफ है उन्हें? वहीं बीजेपी केजरीवाल के हर एक दावों पर सवाल उठा रही है, गुजरात में कांग्रेस और आप के बीच नंबर 2 की लड़ाई बता रही है। और भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ गुजरात की अस्मिता और गौरव जुड़ी हुई है और यहाँ के लोग भी दिन प्रतिदिन नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, उतनी ही बखूबी, उतनी ही बेबाक बातें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रखेंगे और मुझे भरोसा है कि इस बार भी 2022 के चुनाव में गुजरात की जनता, 7 करोड़ की जनता प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। बीजेपी का दावा है कि गुजरात में आपका कोई भी दाव असर नहीं दिखाएगा, प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी का शासन आएगा। यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है और डेवलपमेंट भी है, जो विकास जिन किसानों के खेत में पानी गया, जो किसानों को आमदनी बढ़ रही है, जहां पे सड़कें अच्छी है, जहां की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, जहां का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है,
इन सभी चीजों में। और दूसरा यह है कि गुजरात के अंदर कोई भाई राज नहीं है। गुजरात चुनाव को लेकर केजरीवाल दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक ओर विकास वाली तस्वीर दिखा रहे हैं तो दूसरी ओर जीत के सारे समीकरणों पर हाथ आजमा रहे हैं। और इस चुनाव दाव के बीच वो बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, गुजरात चुनाव की सरगर्मियों को बढ़ा रहे हैं। अहमदाबाद से श्वेता सिंह और प्रीति चौधरी के साथ गोपी घांगर आज तक।